जागत ज्योत जप निस्बासुर जागत ज्योत जप निस्बासुर वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस इंडियन चैप्टर दे करता दर्ता दीपक मनमोहन सिंह जी इस डेलीगेशन दे ओ चीफ भी ने उन्होंने मैं दावत दिना आन ते इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस ते वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस दोनों दे बारे अपने विचार साडे नाल सांझे करन थोड़ी भरपूर तालियां च दीपक मनमोहन सिंह डॉक्टर सुगड़ा सदर डॉक्टर गुरभजन सिंह गिल एंड श्रीमती गिल डॉक्टर फातिमा हुसैन दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई वक्त सी दोस्तों जदों फख्र जुबान साहब पूरे इन्हां दी सत्ता पावर पूरे जोवन ते सी ते आप भी पूरे जोवन ते सन और असी कदे भी 200 तो घट बंदा इत्थे नहीं सी आउंदे और साडी जिहड़ी रहायश हुंदी सी इत्थों दे जिहड़े बहुत वड्डे वड्डे होटल फलैटी अंबैसडर वगैरह च असी रहिंदे सां मैं ये नहीं कहना कि हालात थोड़े वतन दे भी बिगड़े हुए ने या साडे वतन दे भी बिगड़े हुए ने ये जिहड़ी हनेरी है सारे संसार च सारे वर्ल्ड च घूमी हुई है असी सारे चिंतित हाँ फिक्रमंद हाँ कि आने वाले समय नू किस तरह खुशगवार बनाइए वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस का हमेशा यही यतन रहा है कि सारे मुल्कां विच अमन अते शांति पीस बरकरार रहे और असी अज भी इत्थे जिहड़े इकट्ठे होए आ सारे मिल के दुआ करदे आ कि भाईचारक सांझ सारे संसार नू एक दूजे नू जिउण दी रीझ और शौक और चाह पैदा होवे उन्हां विच और वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस का सब तो जड़ा अहम मुद्दा है वो यही है पंजाब पंजाबी ते पंजाबीयत दी बेहतरी ते अमन और शांति दा जड़ा प्रसार है वो हर पासे होवे मैं ज़्यादा वक्त तुहाडा नहीं लवांगा क्योंकि असी जिहड़े प्रोफेसर लोग हुंदे आ जे साडे मूहरे माइक पिया होवे ना असी घट तो घट 45 मिनट बोलदे हां क्योंकि पीरियड जिहड़ा है 45 मिनट दा हुंदा सो मैं गुस्ताखी नहीं करांगा मैं एक बार फिर भारती वफद वल्लों सुगड़ा सदर डॉक्टर सुगड़ा सदर दा धन्नवाद करदा कि असी जदों भी आउने आ इस तरह की जी खूबसूरत जी शाम है जिदे विच कला संगीत और अदब दियां गल्लां हुंदियां ने जदों इत्थों भी जदों वफद जांदा सी हिंदुस्तान दे विच उहदे च भी 200 तो घट बंदा नहीं सी हुंदा मैं उहनां विचों जिहनां दे नां लैणे शुरू होवां तां वक्त बहुत लगेगा पर मैं इन्ना जरूर कहांगा कि उस वफद विच बड़ी एक सोहनी कुड़ी शामिल होंदी सी उह सी सुगड़ा सदफ उदों डॉक्टर नहीं सी बोली और जिन्नी इस बीबी ने स्ट्रगल कीती है मेहनत कीती है और कंट्रीब्यूशन कीती है
कला और साहित्य के खेत्र में लाजवाब है। इहदियां पुस्तकां बड़ियां जिक्र योग ने, ते हुण भी जिहड़ा कम कर रहे ने इत्थे ये बड़ा शलाघा योग है। मैं फिर भारतीय वक्त वालों थोड़े सारे दोस्तों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद करता, शुक्रिया। सदफ ते पिलक दे के जदों भी असी कॉन्फ्रेंस करने हैं इंटरनेशनल, तो यह कोई ना कोई जबरदस्त किस्म का प्रोग्राम करते रहे। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा सी, बहुत ही टैलेंटेड किस्म के आर्टिस्ट सन जिन्हें जी एक मेरे को सामने बैठे हैं, एक होने बढ़ गए ने। इसलिए जी 31वीं कॉन्फ्रेंस है 31st, यह सारी दुनिया के विच हो जाने, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और इंग्लैंड, अमेरिका, कैनेडा, आस्ट्रिया, इटली, स्वीडन, डेनमार्क और होर बाकी जिले मुल्क ने, उन्होंने असी कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। और मकसद सिर्फ है कि पंजाबी जुबान जड़ी है उन्हों पाकिस्तान दे विच राइटफुल दिता जाए, एक मुकाम दिता जाए, क्योंकि इतने ना तो प्राइमरी जुबान पढ़ाई जाती है, ना असैम्बलियाँ बोली जाती है, और इतने की ब्यूरोक्रेसी और इतने का पॉलिटिशन जड़ा वो बिल्कुल ही पंजाबी दे हक दे विच नहीं। चुनांचे यह सारी कोशिश हिंदुस्तान दे दोस्तों नाल, पाकिस्तान दे दोस्तों दे नाल करके असीं यह कर रहे हैं, और आ सिलसिला असी जारी रखांगे कि हर साल एक कॉन्फ्रेंस जिहड़ी है वो असी जरूर करांगे, और उहदे नाल मेरा ख्याल है कि बहुत फर्क पएगा। अगली साडी सिंगर हाले प्रोग्राम खत्म नहीं होया, दो सिंगर हाले बाकी ने सर। इस 31वें विश्व पंजाबी अमन कॉन्फ्रेंस के रूहे रवान फखर जमान साहब, उन्हां दी बेगम साहिबा डॉक्टर दीपक मनमोहन सिंह जी, साढ़े चीफ कोआर्डिनेटर सहजप्रीत सिंह मांगट मेरे नाल आए, या मैं उन्होंने आया डेलीगेशन का साथी, और इतों के मित्र प्यारियों, जो मैं तुरना सी लुधियाने तो एक रात पहला मैनू किसी मित्र ने पूछया, तू लाहौर की करन चलें? मैं आख्या कि विश्व पंजाबी अमन कॉन्फ्रेंस से, कहिंदा यार ज्यों जम्मे हो इसे काम ते लगे हुए, अमन ते होया नहीं। मैं जिहड़ा जवाब दिता सी वो जवाब मेरे वल्लों नहीं सी, वो सरदार नानक सिंह नावलकार दा दिता हुआ जवाब सी। सरदार नानक सिंह नूं किसी ने आख्या कि तुसी सुधारवादी रिफॉर्मिस्ट, इन्ने नावल लिखे ने, सुधार तां सोसाइटी च होया कोई नहीं। उन्हें जवाब दिता सी, जिहड़ा वो जवाब मैं उस मित्र नूं दिता कि तेरी माँ हर रोज़ घर च झाड़ू मांजा फेरदी है ना, कहिंदा हाँ फेरदी है, कहिंदा थोड़ा बहुत कूड़ा भी निकलता होना, कहिंदा हाँ निकलता, हर रोज़ फेरदी है, कहिंदा हाँ हर रोज़ फेरदी है, रोज़ कूड़ा निकलता, कहिंदा हाँ रोज़ निकलता। कहिंदा मित्रा तू ये सोच, जे तेरी माँ झाड़ू मांजा ना फेरदी होवे घर, तुहाडे घर का हाल की होवे। यही काम फखर जमान साहब कर रहे, यही दीपक कर रहा, यही मैं कर रहा, यही सुगरा कर रही है, यही सारा काफिला कर रहा।
सो मित्रों गल्लां दा वक्त नहीं, आ वक्त एक्शन दा, ते सुर शब्द अदाकारी दा सुमेल करन वास्ते पहले दिन होका दिता सी फखरजमा साहब ने कि जिवें मोहन सिंह ने आख्या ना कि दातियां कलमां ते हथौड़े इकट्ठे कर लो, संध हो यार, तकड़ी एक त्रिशूल बनाओ, युद्ध करो, प्रचंड हो यार, इस हनेरे दी हिक चीरन वास्ते दुनिया ते किते भी कोई दानव दैंत है जिहड़ा अमन दी चादर नूं पाड़दा है वह साडा वैरी है, इस करके असीं उहदे खिलाफ लड़न वास्ते इह निक्के निक्के टिमकणे तुरे फिरदे आ, ना सही पूरा हनेरा दूर करना, पर असीं कोशिश तां कर रहे हैं ना, इत्थे गल मुकाउंदा होया। बहुत धन्नवादी हाँ भैण सुखदा सदस दा, भाजी फखरजमा साहब दा, डॉक्टर दीपक दा, जिन्होंने मौका दिता कि असीं तुहाडे रूबरू हो सके हैं। हकूमतां नूं इक्को ही हथ बन के बेनती है कि यार परिंदियां दे परां नूं क्यों रस्सियां बन्नदे हो, ये भावें मेरे वतन की होवे भावें तुहाडे वतन की होवे, ये रस्सियां खोल दिओ यार, ये कुछ नहीं करन लगे, ये मुहब्बत वंडन गए, जे तुहानूं नहीं मुहब्बत पुगदी सानूं कहो कि सानूं तुहानूं मुहब्बत नहीं पुगदी। इस करके मैं गल मुकाउंदा होया इत्थे खिमा मंगांगा। बहुत बहुत शुकराना, बहुत बहुत धन्यवाद जी, एनी ताहिरा। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करांगी मैडम दा कि उन्होंने अज मैनूं बुलाया और इस तरह तुहाडे सारयां सामने पेश होण दा मौका दिता। तो मेरी एक छोटी जी कोशिश है, क्योंकि स्टैंड नहीं हैगा वरना मैं तुहानूं चिमटे दे नाल परफॉर्म करके दिखाती और सुनांदी भी, लेकिन हुण चिमटे दे बगैर ही मैं तुहानूं, क्योंकि मैं चाह रही सां कुछ फोक हो जाए ताकि, लेकिन वह स्टैंड नहीं है उन्होंने कोल, तो इसलिए हुण मैनूं ऐसे तरह ही तुहानूं सुनाना पएगा, वरना मैं तुहानूं चिमटे दे नाल परफॉर्म करके सुनांदी। सजना शाला रवे जवान सजना, जिंदे आँखा के जान सजना शाला रवे जवान सज, मैं तेरे कुर्बान सजना, जिंदे आँखा के जान सजना शाला रवे जवान सजना,
दुश्मन मरे ते खुशी न करिए सजना भी मर जाना ती कर दी दिन के मोहब्बत होड़ के न टूट जाना फिर मेरी आजुगनी फिर मेरी आजुगनी जैसिया जल नाम अलीदा नाम साईदा कड़ी हर दम रब रब के दिया पाकिस्तानी फिल्म मौसीकी दा बहुत नुमाया नाम फिल्मां दे पंजाबी उर्दू फिल्मां दे बहुत ज़्यादा गाने गाए ते इन्हां दा इजाज़ यह भी है कि जिन्ने भी गाने गाए सारे मशहूर होए एक बहुत ही सुरीली आवाज़ खुशी एक अट्रैक्शन तुसी फील करोगे आवाज़ दे विच तुहाडियां भरपूर तालियां दे विच अनवर रफ़ी दाड़ा पानी खिच के ले आंदा कौन किसे दा खांदा हो दाड़ा पानी खिच के ले आंदा कौन किसे बेस कटा दे राजा दाड़ा पानी खिच के ले आंदा कौन किसे दा खांदा हो दाड़ा पानी भई दाड़ा पानी खिच के ले आंदा कौन किसे दा खांदा हो दाना पानी हर कोई अपनी किस्मत खावे तैनू बस ऐवें मिल जावे तो ऐवें मिल जावे हर कोई अपनी किस्मत खावे तैनू बस ऐवें मिल जावे तो ऐवें मिल जावे तेरे तो खेल ते कोई तेरे तो खेल ते कोई जे कर अपना पाँदा हो दाड़ा पानी खिच के ले आंदा कौन किसे दा खांदा हो दाड़ा पानी तू रख रब ते डोरी मित्रा कानू होना है बेशुकरा तू होना है बेशुकरा तू रख रब ते डोरी मित्रा कानू होना है बेशुकरा तू होना है बेशुकरा तू जग उत्ते पिछो आवे तू जग
बूते पिछों में ओ पहलो लिख जांदा हो दाना पानी खिच के ले आंदा कौन किसे दा खांदा हो दाना पानी खिच के ले आंदा कौन किसे दा खांदा हो जी बड़ी मेहरबानी। मैं अपनी फिल्म का वो गाना जिथे मैनू मेरे मालिक ने बहुत ज़्यादा इज्जत दी तो साहब मुलक दे भी दो बारी कापी हो चुकी है। सोनू निगम ने भी एक बारी मेरे सामने दुबई च मेरे सामने गाता सी। लेकिन ये भी एक अपना इज्जत होती है इंसान की। मैं समझना कि साड़ी जड़ी बोली आपस दे विच हैगी है वो साड़ा साड़ा गाना अच्छा बनया हो तो वह ले लेंदे ने उन्हां दा गाना असां अच्छा बनया हो तो असी अपना रिकॉर्ड कर लैने आ। तो यह साड़ा तो तुहाडा हक हैगा इस वे करके इहदे ते कोई इतराज़ नहीं हैगा। अपनी फिल्म का गाना जानू सुन जरा पलके तो उठा 1 2 3 4 जानू सुन जरा पलके तो उठा छुपल तुझे किसे चुरल तुझे आ मेरे पास आ जानू सुन जरा पलके तो उठा आँखों में छुपल तुझे किसे चुरल तुझे आ मेरे पास आ तहरीर है तू सच के मेरी तकदीर है तू हाथों पे लिखी तहरीर है तू सच के मेरी तकदीर है तू मेरा एहसान है मेरी जान तूने ही की मेरे ख्वाबों की दुनिया जान फसल तुझे तुझसे तुरल तुझे आ मेरे पास आ जानू सुन जरा से तू पाँव तक प्यार है हुस्न का तू शाहकार है सर से तू पाँव तक प्यार है हुस्न का तू शाहकार है जिसमें तेरा ताज महल तेरा है ये तेरा शायर की रंगी गजल सोने पसल तुझे तुझसे तुरल तुझे आ मेरे पास आ जानू सुन जरा जानू
के विछोड़े। ये गाना वो जो मैं जाती तौर पर बहुत बड़ा पसंद मैं लगा सी जो थोड़ी आमद रुक गई थी तो साड़ी भी आमद रुक गई थी। हूँ तो खुशी के गीत गाने चाहिए ने लेकिन चूंकि सुरीला आइटम है मैं पसंद है मैं पेश कर रहा और मैंने फरमाइश भी की। सारी उम्र दे पैगे बिछोड़े आए सारी उम्र दे पैगे बिछोड़े आस तोड़ चली लुट के छोड़ चली जांदी तकदीर नू कोई मोड़े तोड़ चली लुट के छोड़ चली जानती तकदीर नू कोई मोड़े सारी उम्र पैगे बिछोड़े। पंजाबी आज दी इस तकरीब का इख्तिताम
एक धमाल तो करते हैं सुमन शेख उन्हां दा वधना ज्ञान अज दी मेरे वल्लों ये आखिरी कलमात हमेशा तो साड़ियां अखां तुहाडे राज बिछियां ने तुहानू जी आया नू सब नू सुमन शेख वगदी नदी दा पाणी वगदी नदी दा पाणी इंज जाके मुड़ नहीं आंदा जाके जिवें जवानी वगदी नदी दा पाणी इंज जाके मुड़ नहीं आंदा जाके जाएगा किनारा
यह साड़ी एक एकतवीं कॉन्फ्रेंस है। 1986 के सिलसिला शुरू होया सी ते दुनिया के तकरीबन 20 मुल्कां दे विच असीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस कर चुके हैं। पंजाबी दे हवाले नाल, पीस दे हवाले नाल, लिटरेचर दे हवाले नाल यह जिहड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिहदा अज म्यूजिकल प्रोग्राम भी है, यह 31वीं कॉन्फ्रेंस है और एदे वास्ते बड़ी मेहनत की गई है क्योंकि वीज़े मिलना काफ़ी मुश्किल होंदा अजकल। तो तकरीबन 60 बंदे जिदे च इंडिया दे, फ्रांस बाहरों आए ने, वो सारे एदे विच शामिल हो रहे हैं और 3 दिन तो लंघ गए ने ते 1 दिन और कल दा है वे जिहड़ा कि डेक्लरेशन इशू करांगे असीं। मतलब सिर्फ है कि पंजाबी जुबान जड़ी है उन्हों इंटरनेशनलाइज किया जाए और ख़ासकर पाकिस्तान दे विच पंजाबी जुबान और पंजाब दे विच पंजाबी जुबान की कोई अहमियत नहीं, ना प्राइमरी की सतह तक पढ़ाई जाती है, ना असैम्बली दे विच बोली जाती है और ना घरां दे विच बोली जाती है। चुनांचे असी समझने कि यह बड़ा त्रोर बड़ा जुल्म है पंजाबी जुबान नाल जिहड़ी कि सूफिया की शाय है और उन्हों अहमियत नहीं दी जा रही। चुनांचे जिन्हिया भी कोशिशा या एफर्ट्स हो रही ने वो इस वास्ते हो रही ने कि पंजाबी उहदा जिहड़ा राइट है वो दिता जाए और मुख्तलिफ जगह पंजाबी पढ़ाया जाए और पंजाबी पॉपुलराइज किया जाए सारे मुल्क। जागत जोत जपै निसबासुर, जागत जोत जपै निसबासुर।